DSS UT का ये मतलब एक ट्रेडिशन टाइप हो गया है। क्लास में पता नहीं क्या चल रहा है। फ्रॉम भुवनेश्वर से ऑल ऑफ रेजिडेंसी। आज दिन की शुरुआत एक नॉट सो गुड ब्रेकफास्ट के साथ हो रहा है। क्या करें आप? तो भाई साहब पिछले कुछ दिनों से क्या ठंड लगी है, मतलब पूछो मत यार। और फिर इस वजह से सुबह जल्दी उठना और रात को बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। बाकी भाई साहब अभी टाइम 9:30 के आसपास हो चुका है और आज हमारा क्लास 10:40 को है। वैसे जनरली सबका क्लास जो है 9 बजे के आसपास से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मेरे सारे रूममेट्स भी अभी नहीं है रूम में, तो मैंने सोचा आपसे ही बात कर लिया जाए। तो अभी हम चल के क्लास के लिए रेडी होते हैं, ठीक है? कॉलेज जा रहे हैं और मुझे आप वैसे ये फॉर्मल्स में देख सकते हैं। DSS UT का ये मतलब एक ट्रेडिशन टाइप हो गया है। जो भी फर्स्ट ईयर नए फ्रेशर्स आते हैं उनको 1 साल तक पूरा एकदम फॉर्मल्स में रहना पड़ता है और फिर फर्स्ट ईयर के बाद आप कुछ भी पहन सकते हैं। कुछ ट्रेडिशन हो चुका है, अब क्या करें। यार कॉलेज में आ चुके हैं और पीछे आप ये देख सकते हैं, यार पीछे कहाँ पर ही हमारा क्लासरूम है। और जल्दी से हम क्लासरूम चलते हैं क्योंकि वैसे ही बहुत लेट हो चुका है, लॉक के चक्कर में हमेशा लेट हुई। तो क्लास में हम जल्दी आ चुके हैं, टीचर आए नहीं हैं, सब बैठे ही हैं। क्लास में पता नहीं क्या चल रहा है, फाइटिंग चल रहा है। और ये प्रतीक, ये हमारा क्लासरूम वाला फ्रेंड है। क्लासरूम वाला वे मतलब हॉस्टल वाले फ्रेंड अलग, क्लासरूम वाला अलग। बस हमारा खत्म हो चुका है और सर ने आज एक्स्ट्रा क्लास लगवा दिया, तो अभी 2 बज चुके हैं। प्रतीक के साथ हम अभी कोल्ड कॉफी पीने जा रहे हैं। तो यार मैं अपना खाना लेके इधर रूम में चला आ चुका हूँ। यार लंच करने में आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि क्लासेस थे बहुत से, तो आज मेस में एक सब्जी बना था वो खत्म हो गया, तो इससे ही आज हमें काम चलाना पड़ेगा। और कंपनसेट करने के लिए ये चिप्स थे मेरे पास कुछ, तो वो ही खाऊंगा, ठीक है? तो यार और अभी खाने के बाद दोपहर में थोड़ा चिल करेंगे, एनिमे वेनिमे देखेंगे। और आज अभी और क्लासेस नहीं है, वो अच्छी बात है, बट शाम को मिलते हैं, मिलाऊंगा आपको। काफी दिया गया है। श्री ब्लॉग में आ रहा है तू भाई दे। हाँ भाई, हाँ बिजन फ्रॉम भुवनेश्वर।
भुवनेश्वर काफी का कुछ रिव्यू अच्छा है ठीक है। हाँ बहुत बहुत ही बहुत सारा ठीक है डिसेंट। स्नैपचैट इधर स्नैपचैट चल रहा है और यार इधर भी स्नैपचैट भाई चारों ओर बस स्नैपचैट ही चल रहा है। चिराग भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? सब्सक्राइब यो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सबने बोल दिया आप ठीक है। अभी क्या करना है पता नहीं जरूर करेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे। खाना जैसा ऊपर लोग अच्छे हैं। बैडमिंटन खेल रहे हैं अभी कितने टाइम हो रहे हैं 11 बज चुके हैं और होटल में बैडमिंटन। ठंड कितना है बे? बहुत भाई। बर्थडे भाई तो भाई का बर्थडे है आज तो इसलिए अभी सेलिब्रेशन हो रहा है रात के 12 बजे। हाँ भाई तो चाकू वाकू लेके तो सब लोग आज फर्स्ट टाइम हमारे हॉस्टल में बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है तो भाई का बर्थडे अभी केक कटिंग होगा और शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और इधर बैडमिंटन स्टिल ऑन है और ये आईफोन 11 चिराग भाई का है। सब्सक्राइब लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाँ भाई सब कर लेंगे जितने बार बोल दिया है। और भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? लाइक और सपोर्ट करो। सपोर्ट एकदम बस इतना ही चाहिए। और जैसा कि आपने अभी तक देखा हमारी जिंदगी की गाड़ी एक नए रास्ते पे आ चुकी है और अब मंजिल का तो पता नहीं पर ये जो सफर है वो बड़ा मजेदार होने वाला है। और बस इतना ही बताना था और आज की कहानी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। बाय। I'm not